नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं अपने वीडियो नंबर 7 में। दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली अपन सर्चिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सॉर्टेड एरे सर्च। तो अपने को एक सॉर्टेड एरे दिया होगा और उसको अपने को कोई एक एलिमेंट को वहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लीनियर सर्च, ये शीट में हमारे लिखा है लीनियर सर्च। जैसे आप क्वेश्चन को खोलोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे इस पेज में। सॉर्टेड एरे पे आपको सर्च लगाना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लीनियर सर्च वाली नहीं है दोस्तों, एक्सपेक्टेशन बाइनरी सर्च की है। तो आपको कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खर्च करनी है, इसका मतलब आपको एफिशिएंट एल्गोरिदम लगाना है जो कि बाइनरी सर्च है। मैं आपको दोनों ही एल्गोरिदम एक ही वीडियो के अंदर समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। और साथ ही साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन है, इसका मतलब इन प्लेस करना है, कोई एक्स्ट्रा एरे का खर्चा नहीं करना है। क्वेश्चन को जल्दी से रीड करते हैं। गिवन एन एरे ARR sorted in ascending order of size n और integer k को आपको सर्च मारना है, चेक करना है कि क्या प्रेजेंट है क्या एरे में या फिर नहीं। अगर प्रेजेंट होता है एरे में तो उस केस में आउटपुट 1 आना चाहिए, नहीं तो आपको आउटपुट -1 को देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी समझते हैं। उसके पहले मैं आपको लीनियर सर्च जल्दी से समझा देता हूं दोस्तों। लीनियर सर्च बहुत ही सस्ता टिकाऊ एल्गोरिदम है जिसको आप यूज़ नहीं करोगे कभी भी। ठीक है, लीनियर सर्च तब भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कुछ नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। एक बार अपने को पूरी की पूरी दौड़ लगानी है, ऑर्डर ऑफ एन होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक पूरी दौड़ लगानी पड़ती है। वहीं बाइनरी सर्च में सिर्फ और सिर्फ आधे एरे में ट्रैवर्स करना होता है, इसलिए लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसका। तो यहाँ पे सीधा मैं लिख देता हूँ इसका कोड, बहुत सिंपल सा एक फॉर लूप ही लिखना है। फॉर आई इन रेंज जितना भी आपका रेंज होगा एरे का, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इफ एरे ऑफ आई जो है क्या वो के बराबर है। अगर के बराबर होता है तो उस केस में आप रिटर्न कर दो 1, इसका मतलब एलिमेंट मिल गया है, नहीं तो आप रिटर्न कर दो -1 क्योंकि एलिमेंट नहीं मिला है। पूरा फॉर लूप जैसे ही खत्म होगा आप इंश्योर कर लोगे कि आपका एलिमेंट नहीं मिला है और आप रिटर्न कर दोगे -1। डन, लीनियर सर्च सिर्फ और सिर्फ इतना है। अब दोस्तों सीधा आते हैं बाइनरी सर्च में, जो हमारा मेन कंसर्न है। बाइनरी सर्च बहुत अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। बाइनरी सर्च इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होता है, लॉग इन, क्योंकि हम सिर्फ आधे एरे में सर्च कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। 1, 2 एक सॉर्टेड एरे है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना सॉर्टेड एरे है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो आप सॉर्ट उसको पहले कर लोगे, उसके बाद सर्चिंग कर लेना, सर्चिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3 उसके बाद लेट मी से ले लेते हैं 4, 5 कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो आप 3 को सर्च कर रहे हो, इस एरे में 3 को सर्च कर रहे हो, एक केस ये हो गया। दूसरा केस मान लेते हैं आप 2 को सर्च कर रहे हो, और तीसरा केस मान लेते हैं आप 5 को सर्च कर रहे हो। ये 3 केस बनते हैं यहाँ पे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो 3 यहाँ पे केस क्या क्या बनेंगे। एक, आप 3 को जब सर्च करोगे तो सबसे पहला आइडिया क्या होता है बाइनरी सर्च में, आप मिड का कैलकुलेशन करते हो। मिड, अच्छा मिड निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, दो भैया को बुलाना होगा, एक को स्टार्ट पे बैठा दो और एक को एंड पे बैठा दो, लेट मी से पी और क्यू। तो मिड आपको निकालना होगा, मिड कुछ नहीं है, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 होता है। C++ और जावा में ओवरफ्लो का दिक्कत होता है, इसलिए वहां पे कंडीशन को कुछ ऐसा ना लिख के, ओवरफ्लो का मतलब वहां पे इंटीजर का एक लिमिटेड रेंज होता है जिसके कारण ओवरफ्लो की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए सेफ साइड पे वो लोग क्या लिखते हैं, P माइनस P बाय टू ऐसा लिखते हैं कई लोग, Q माइनस P बाय 2 एक ही मतलब है दोनों का। पाइथन में ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन सेफ साइड पे आप इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला काम है अपने को मिड निकालना। मिड का मतलब क्या, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है। तो मिड मेरा क्या हो जाएगा ये वाले केस में, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये जो डबल साइन है इसका मतलब अगर 2.5 आएगा तो भी आपको 2 लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो मिड आ गया मेरा 2। तो यहां पे मिड को आप बैठा दो, यहां पे मैंने मिड को बैठा दिया। तो केस क्या क्या बनेंगे, एक केस ये बनेगा दोस्तों कि जो मिड है वहां पे आप एलिमेंट को चेक कर रहे हो, एक ही गो में आपको वो एलिमेंट मिल जाए, ये बेस्ट केस हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट रो पे मिड आप निकाले और चेक किए उस जगह पे जो एलिमेंट रखा है क्या उसी को आप सर्च कर रहे थे, हाँ भाई कर रहे थे, तो उस केस में K=3 इसका मतलब ये बेस्ट केस है, ये एक केस हो सकता है। केस नंबर 2 क्या हो सकता है दोस्तों, केस नंबर 2 ये हो सकता है कि मैं 2 को सर्च कर रहा हूं, तो जब मैं इतना अपने को पता है एरे ऑफ मिड जो है, अगर ये बड़ा निकलता है, अगर ये बड़ा निकलता है उस एलिमेंट से जिसको मैं सर्च कर रहा हूं,
इसका मतलब मेरा जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में है क्या? क्योंकि ये मिड जो है वो बड़ा है जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा जो एलिमेंट है वो मिड से पहले होगा। तो उस केस में आप क्यू को यहां से पकड़ के मिड माइनस वन कर दो, यहां से हटा के आप क्या कर दोगे इस वाले केस में क्यू को मिड माइनस वन कर दोगे। और एक तीसरा केस बनता है एरे ऑफ मिड, ये अगर छोटा होता है हमारे केस से, तो इसका मतलब एलिमेंट जो है वो राइट साइड में है, उस केस में आप पी को मिड प्लस वन कर दो, उस केस में पी को मिड प्लस वन कर दो। और ये काम आपको कब तक के करना है, एक वाइल लूप के अंदर करना है, जब तक पी और क्यू एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते या फिर एक ही जगह पे नहीं आ जाते, ये तब तक के आपको करना है। ये करोगे आपका एलिमेंट आपको 101% मिल जाएगा विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन। आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसको पूरे एग्जांपल को आप सॉल्व करके देख सकते हो। मैं सीधा आ जाता हूँ, मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ गए होगे, और मैं सीधा इसको कोड करके आपको दिखाता हूँ। बाइनरी सर्च को अपन सीधा कोड करते हैं, आप चाहो तो लीनियर सर्च कर सकते हो, लेकिन लीनियर सर्च में फेल करेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन बाइनरी सर्च वाली है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं पी कॉमा क्यू, इन दोनों को इनिशियलाइज कर देते हैं अपन जीरो के साथ, जीरो, और सॉरी क्यू को अपने को इनिशियलाइज करना है लास्ट एलिमेंट पे, तो लास्ट एन है तो अपने को लिखना होगा एन माइनस वन। तो पी को मैंने इनिशियलाइज किया जीरो के साथ, क्यू को मैंने इनिशियलाइज किया एन माइनस वन के साथ, ओके। वाइल लूप दौड़ा देते हैं, वाइल पी लेस देन इक्वल टू क्यू, अपने को दौड़ लगाते रहना है। और क्या लिखना है, पहले मिड निकालना है, मिड इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप ऐसा लिख सकते हो पी प्लस क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। कई लोग डायरेक्टली पी प्लस क्यू बाय टू भी लिख सकते हो, पाइथन में सब कुछ चलता है, ठीक है, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं आपको बता दिया। अब अपने को लगातार चेकिंग करनी है, क्या चेकिंग करनी है, इफ एरे ऑफ मिड, अगर ये पहला केस क्या बनता है, के बराबर है, तो उस केस में अपने को क्या करना होगा, सीधा रिटर्न कर दो वन, ठीक है, आपका एलिमेंट मिल गया। नहीं तो एलिफ अपन लिखेंगे एरे ऑफ मिड जो होगा, अगर ये छोटा है हमारे के एलिमेंट से, इसका मतलब जो मेरा एलिमेंट होगा वो राइट साइड में प्रेजेंट होगा, तो उस केस में आप लेफ्ट वाला जो है पी जो है उसको मिड प्लस वन कर दो, मिड प्लस वन, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, एल्स आपको हमेशा क्यू इज इक्वल टू मिड माइनस वन करना होगा। यही तीन केस बनते हैं और कोई केस नहीं बनता। और अगर इतना करने पे भी आपको नहीं मिलता है तो उस केस में आप लिख दो ये लूप के बाहर, रिटर्न कर दो माइनस वन, तो इसका मतलब आपका एलिमेंट जो है वो नहीं मिला। इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं, और कंपाइल हो रहा है, कुछ गड़बड़ किया हमने लाइन नंबर 9 पे, इफ एरे ऑफ मिड क्या लिखा है हमने, एरे ऑफ मिड नेम के इज नॉट डिफाइंड, ओके, के डिफाइंड नहीं है, मैंने स्मॉल के ले लिया है, यहाँ पे बड़ा के है, कोई बात नहीं, और कहीं पे नहीं होगा, ओके। और यहाँ पे आउटपुट जो है वो आ रहा है एक्सपेक्टेड वाला आउटपुट, तो इसको अपन सबमिट कर देते हैं। टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गए हैं, और यहाँ पे कुछ आया है माइनस वन नेम रिटर्न, ओ सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था रिटर्न, टाइपो हो गया है, कोई बात नहीं, और अपन फिर से कंपाइल कर लेते हैं इसको और फिर से सबमिट कर लेते हैं। सारे के सारे टेस्ट केस जो हैं आप देख सकते हो पास हो गए हैं, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, हमने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च का पूरा आइडिया समझ लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।